बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय रेसिपी बॉक्स। जहाँ जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में रहें। अल्लाह ताला सब करीज़ कुशादा करें, बीमारों को शफा अता फरमाए, और इस प्यारे से रमज़ान मुबारक महीने में अल्लाह ताला सब को रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त शरबत बना रही हूँ, ड्रिंक ही कह लें आप, जान डिज़र्ट भी बोलें आप कह सकते हैं इसको। तो ये जैसे इफ्तारी हो तो इसमें ये ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है, आप ये इस्तेमाल करें। तो ये आप ईद पे भी बना सकते हैं। तो ये हम साबुदाने का बना रहे हैं। सबसे पहले मैं साबुदाना लेके इसको बॉयल करूँगी। तो मैं इसको बॉयल करके इसको टू पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो मैं इसके क्या मेथड यूज़ करती हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। इस तरीके से मैंने ऊपर पानी बॉयल होने के लिए रख दिया, और अब मैं इसके अंदर साबुदाना बॉयल होने के लिए मैं रख डाल देती हूँ। इसको मैंने तकरीबन 2 आवर पहले मैं इसको डाल भिगो के रखा हुआ था, और तकरीबन 6 से 7 या 8 मिनट तक आपने इसको बॉईल करना अच्छे तरीके से। आप मैंने साबुदाना लेके उसमें मैंने ये रेड कलर है, ये फूड कलर, इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप मैंने डाल के, तो इससे फिर पिंक कलर आ जाएगा। तो ये मैंने डाला है, इससे इस कलर बॉईल कर लिया है, देखिए ये कलर इस तरीके से वो कलरफुल मैंने किया। इधर मैं इस तरह इसका वाइट कलर है, ये इसी तरीके से, ये देखिए इस तरीके से मैंने इनका जो ड्रेन कर लिया है इनको, ऊपर से मैंने ठंडा पानी डाला है ताकि जो इनके बॉल्स हैं ना सेपरेट सेपरेट रहें, साथ जुड़े नहीं। ये देखें, तो इस तरीके से आपने लेना है और इस तरीके से इनको रिमूव कर लेना है। ये देखिए कलरफुल बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम आते हैं स्टेप 2 की तरफ। अब हम बनाती हूँ मैं जेली, रेड जेली मैंने ली है रफान वालों की, आप कोई भी ले सकते हैं ब्रांड की। तो मैं 1 कप वाटर लूँगी, इससे 1 कप वाटर से ये एक बॉल ये बॉक्स की बनती है। तो अब मैं इसको बनाती हूँ। जेली हमारी तकरीबन रेडी हो गई है, इंस्टेंट ये तैयार हो जाती है। अब मैं इसको उसमें कन्वर्ट करती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसके अंदर डाल दी। तो ये चाहे आप फ्रिज में रख दें या चाहे बाहर भी हो, तो ये 10-12 मिनट के अंदर ये चिल हो जाएगी। तो आप मैं इसको बाहर रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो अगर ना भी हुई तो फिर मैं, लेकिन 1 कप डाला है तो ये बहुत जल्दी ये चिल हो जाएगी। अब हम आते हैं अगले स्टेप की तरफ। मैं एक पॉट लिया है, तो इसमें मैंने मिल्क डाल, इसको मैंने बॉयल कर लिया हल्का सा, अभी मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा किया, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी चीनी डालूँगी थोड़ी सी। देखिए हम तकरीबन 1 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं इसके अंदर जामी शीरी रूह अफ़ज़ा वो डालूँगी आप चाहे। इसको अच्छे तरीके से करूँगी मिक्स, साथ ही मैं इसके अंदर थोड़े से मैं डाल दूँगी ड्राई इंग्रीडियंट, ड्राई आलमंड डालूँगी, आप पिस्ता हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब हम स्टेप 2 की तरफ आ रहे हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी रूह अफ़ज़ा, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ये डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफ़ी है इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, वो रेड सा हो जाता है। मैं इसके अंदर डाल देती हूँ साबुदाना,
पिंक है तो पिंक के अंदर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ये इसके और दूध को और जज़ब करेगा तो बहुत ही ये ज़बरदस्त लगेगा। ये वैसे भी साबूदाने के बहुत बेनिफिट हैं। बहुत गर्मी अचानक सी आ गई है, इसको मैं ठंडा में अभी मैं जेली इसके अंदर ही डालती हूँ। ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर जेली डालूँगी। इसको ठंडा होने देती हूँ। जेली हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए मैं बिल्कुल फ्रिज में भी नहीं रखी है, मैंने बाहर ही रखी है तो हमारी बहुत ज़बरदस्त हो गई है। अब हम इसको उसके अंदर ऐड कर देते हैं। अमेजिंगली आप देखें ज़बरदस्त बना है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और इफ्तारी भी आप ज़रूर इंजॉय करें। और ये देखें, ये देखिए ज़बरदस्त है।